विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या कब था विष्णु, कब ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में वो युगल था जिन दोनों की संस्कार मिले हुए थे, स्वभाव संस्कार एक थे, एक ने कही और दूसरे ने मानी, वो विष्णु रूप था और जो भी थे सुनने वाले सब ने ये बात मानी। तो कौन कौन थे? प्रजापिता भी था, गीता माता भी थी, उम्र आधे बच्चे भी थी, क्योंकि शिव अकेला तो आता नहीं, वो तो तीन पुत्रियों के साथ है। फिर उनकी बात और किसने किसने मानी? श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण जो बनने वाले हैं सतयुग में, उन्होंने भी उनकी बात मानी। तो सब के संस्कार मिलकर के एक हो गए, तो विष्णु था ना, वो ही विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला। कब निकला? आदि में, आदि में ही निकला ब्रह्मा। दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में कब से प्रत्यक्ष हुए? सन 47 जब से शिव ने प्रवेश किया उनमें, तब से वो ब्रह्मा कहेंगे। मैं प्रवेश करता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। सन 47 से पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम नहीं पढ़ा था, आई नहीं, कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ? 47-48 क्रांति से। सन 47 से ब्रह्मा नाम पढ़ा और सन 51-52 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पढ़ा। उससे पहले तो कोई ब्रह्मा को भी नहीं जानता था और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को भी नहीं जानता।